फाइनली टिल दैट मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 28 मिनट की, और ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है बिल्कुल फोकट में। अब फोकट में कहाँ देखने मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और अगर आप लोग इस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हो या मेगन फॉक्स को किसी भी तरह से याद करते हो दिन में एक बार, तो यानी इस वीडियो को पूरा जरूर देखोगे। मूवी की कहानी फोकस करती है एमा, जो कि मैरिड है मार्क से, और इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अभी एनिवर्सरी आने ही वाली है, लेकिन एमा अपने हस्बैंड के एक एम्प्लॉय से अफेयर में है। बट अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब मार्क एमा को अपने 10th एनिवर्सरी पे एक लेक हाउस पे लेके जाता है, और मौसम है विंटर का। अब ऐसे में उस लेक हाउस में जाने के बाद इनके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आप लोग ट्रेलर नहीं देखोगे और जब ये मूवी देखने बैठोगे तो यार आपके लिए सरप्राइजेस ही सरप्राइज है। लेकिन अगर आप लोग इसका ट्रेलर देख भी लोगे फिर भी जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है ना, और एक लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसी एक थ्रिलर मूवी होना चाहिए वो आपको यहाँ पर फील होता है। हालांकि मूवी देखते दौरान आपको जेरॉल गेम मूवी की याद आती है, बट ये टोटली डिफरेंट है। हालांकि कुछ सिमिलैरिटीज है मगर ये कहीं से भी उसकी कॉपी नहीं है। उसके अलावा कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है मेगन फॉक्स के कैरेक्टर में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से लिखा है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है क्योंकि जो लोकेशन है जहाँ पर ये पूरी मूवी शूट हुई है वो तो भाई आंखों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और भेंडी मेरा मन करता है कि इसी तरह की जगह पर मैं भी जाकर रह जाऊँ यार कुछ वक्त के लिए, क्योंकि सिटी की लाइफ से मैं पूरी तरह से बोर हो चुका हूँ। जितने भी वो जो वायलेंस के सीन्स हैं, वो जो खून खराबे वाले सीन्स हैं, क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छी तरह से शूट किया है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर मेगन फॉक्स, जो कि यार एक्टिंग के मामले में मुझे बिल्कुल जीरो लगती है, भले वो कितनी भी हॉट लगे मगर एक्टिंग में वो जीरो है, लेकिन यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स है सबका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, एडिटिंग भी अच्छी है, मतलब बेमतलब की चीज़ों को ड्रैग नहीं किया। और कम बजट होने के बावजूद भी मूवी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि यार आप लोग बोर नहीं हो गए। थ्रू आउट द मूवी मैं एंटरटेन हुआ, और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये मूवी अगर आप लोगों को देखना है तो भाई ये साइट्स है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप डाउनलोड करो अगर आता है तो, वहां से आप लोग देख लो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10, और पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूंगा कि देखो इस मूवी में आपको किसिंग सीन देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा जितने भी वो जो वायलेंस के सीन्स हैं तो इस हिसाब से अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन माफ करो।